क्या अभी मेरे को हार्ड मोड पे खेलना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो डीजन फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि गाइस आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं ग्रैनी 3 इन हार्ड मोड। पता है गाइस, मैंने आज तक ग्रैनी 3 पे हार्ड मोड किया ही नहीं कभी। तो गाइस रियली मेरे को नहीं लगता ये स्किप मैं कर पाऊंगा। आप लोग क्या लगता है गाइस? अभी आप लोग बताओ गाइस, क्या मैं स्किप कर पाऊंगा? नहीं गाइस, अभी आप लोग ऐसे मत बोलो गाइस, दिल से बुरा लगता है भाई। तो अभी हम लोग गाइस सीधा ऊपर चलेंगे, और मेरे को नहीं पता अभी ग्रैनी ग्रैंड पा भी कहाँ पे कैंपिंग कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा तो बच के गाइस। तो गाइस लॉक पिक से जल्दी से इस गेट को भी ओपन कर लेता हूँ। गाइस पूरे टाइम तो ये लॉक पिक ही ले लेता है यार, मेरे को तो लगता है यहाँ पे कोई भी नहीं है। लेकिन एक सेकंड गाइस, अभी कोई तो नीचे आ रहा है, मेरे को नहीं पता कौन है वो। हमका पीनी है, पीनी है, हमका पीनी है। मैं तो चला खुले में पार्टी करने। भागो रे, बहुत जोर की पार्टी आई है। गाइस ये तो बेवड़ा ग्रैंडपा, ये तो हमेशा पीने का ही सोचते रहते हैं। से बीच में मत आया कर। और क्या है गाइस इसमें? इसमें तो इलेक्ट्रिक स्विच है। ओ माय गॉड, जो कि हमारे ट्रेन के पे काफी काम आने वाला है गाइस। आज तो सोच रहा हूँ मैं ट्रेन ही चुरा के ले जाऊँ। चोर कहीं का, वहीं पे रुक जा। ओ भाई ग्रैनी कितना फास्ट भाग रही है। तेरे को बताई थी ना दूसरे बेटो, ये सब डॉक्टर पोर्थो का माल है। यार ग्रैनी तो कतई फ्लैश बन गई। अभी मेरे को बहुत डर लग रहा गाइस, मुझे तो अभी ये लोग से बच के ही रहना पड़ेगा गाइस। मैं तो चली बर्तन मांजने। एक सेकंड, ग्रैनी साइड जा रही है। मैं बर्तन मांजने जा रही हूँ जैसे बिटवा। हाँ ठीक है ग्रैनी, टाटा बाय बाय, सी यू। तो गाइस ग्रैंडपा बाहर पार्टी करने गए और ग्रैनी जा रही है बर्तन मांजने। तो अभी क्या गाइस, जल्दी से बाकी का आइटम भी ढूंढ लेते हैं गाइस। तो अभी मैं सबसे पहले ये वाला रूम पे चेक करूंगा। एक सेकंड, यहाँ पे तो गाइस नारियल है। मेरे को अभी नारियल भी मिल गया जिसको अनबॉक्सिंग करने के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। अच्छा, तो अभी मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप करता कि ग्रैनी ऊपर आ जाए। हमको सिखा रही है। तो अभी क्या गाइस, जल्दी से यहाँ से निकल लो क्योंकि ग्रैनी अभी यहाँ आती होगी। तो ग्रैनी ऊपर है गाइस और ग्रैंडपा का पता नहीं, बस यार ग्रैंडपा नीचे ना मिल जाए। यार ग्रैंडपा की भी काफी परेशान करते हैं। एक तो यार उनके पास शॉटगन है, और आप लोगों को तो पता ही होगा ग्रैंडपा का निशाना हार्ड मोड में कितना तगड़ा हो जाता है। तो अभी मैं ग्रैंडपा से बिल्कुल भी पंगा नहीं लूंगा। ये मैंने नारियल को यहाँ पे प्लेस किया, और बस अभी इसको यहाँ पे प्रेस करना है, और बूम गाइस हमें सोना का सिक्का मिल गया। अभी गाइस यहाँ पे काफी शोर चुका है, और इतना शोर सुन के तो ग्रैनी अभी आती होगी। तो अभी गाइस मैं बहुत खतरनाक ट्रिक करने वाला, जिसको कृपया करके घर पे ना दोहराएं, और बच्चा लोग ये वाली ट्रिक बिल्कुल भी ना करे, वरना ये ट्रिक करते समय आपको ग्रैनी से सरप्राइज मिल सकता है रे पापा। तो अभी यहाँ से जल्दी से फ्लोर क्रैंक से बच के हम लोग जल्दी से नीचे की ओर चलते हैं। यार मेरे को नहीं पता यहाँ पे ग्रैंडपा भी हो सकते हैं, बस यार रास्ता में ग्रैंडपा ना मिल जाए। वैसे मैं इस ग्रैनी हाउस में किसी से नहीं डरता गाइस, सिर्फ ग्रैनी ग्रैंडपा और सेलेंड्रिना को छोड़ के। अभी तो गाइस हमें टिकट भी मिल चुका है। तो गाइस अभी मैं नीचे की ओर इसलिए नहीं जा रहा हूँ, अभी मेरे को इलेक्ट्रिक स्विच की भी जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने गाइस ऊपर पे ड्रॉप किया था। बस यार ऊपर में कोई ना हो प्लीज, यार यहाँ पे कोई भी मत आना, कोई भी मत आना। और यहाँ पे तो कोई भी नहीं है गाइस। तो अभी क्या रे बाबा, जल्दी से इसको मैं उठा लेता रे बाबा। आप लोगों को पता है गाइस, मेरे को अभी काफी डर लग रहा है। अभी ना गाइस मेरा पूरा दिल धक धक कर रहा है। गाइस मैं ग्रैनी 3 पे हार्ड मोड एकदम बिल्कुल फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ। ऐसे में गाइस मैं नॉर्मल या इजी मोड पे ही खेलता हूँ। गाइस आप लोग ग्रैनी कौन से मोड पे खेलते हो, जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ लेना भाई, मैं वैसे भी फ्री का सफर करता ही नहीं हूँ। बड़ा है टिकट मांगने वाला। और ये क्या गाइस, यहाँ पे तो काफी शोर हो गया। जल्दी से और शोर करो और निकल के भागो, या तो भागो भागो भागो, अभी तो ग्रैनी शोर सुन के नीचे आती ही होगी। गाइस जितनी देर में ग्रैनी नीचे आएगी तब तक मैं यहाँ पे स्विच प्लेस कर देता हूँ। और हाँ गाइस इस बार काफी आराम से, इस बार गाइस मैं बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करने वाला। और ये मैं इसको चालू कर दिया, और अभी मैं इसको भी चालू कर दिया, और ये लास्ट वाला। यार ग्रैनी तो मुझे ढूंढते ढूंढते नीचे आ गई। अभी गाइस यहाँ पे रुकना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि ग्रैंडपा कभी भी नीचे आ सकते गाइस। पर हाँ मेरे को भी ग्रैंडपा से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना, क्योंकि मेरे को ग्रैंडपा से डर लगता है रे पापा। मैं गाइस अभी उधर से तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा, क्योंकि अभी मेरे को सरप्राइज नहीं चाहिए गाइस। तो अभी गाइस हम लोग को ट्रेन स्किप के लिए बहुत कुछ मिल चुका है, ऑलमोस्ट अभी हम लोग को सारा कुछ मिल चुका है गाइस। तो अभी मेरे को गाइस एक प्लैंक चाहिए होगा गाइस, वो जो प्लैंक होता ना, या तो टेरेस पे होता है या तो वो सेड रूम के पीछे। निकाल पहले फुर्सत में निकाल, बोलो जबा कैसे रही। यार जिसका डर था आखिर वही हुआ। तो अभी गाइस हमारा डे 2 स्टार्ट हो चुका है। अभी रुको ग्रैंडपा, अभी मैं आपका सारा जुबा केसरी निकालता हूँ।
तो अभी गाइस टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि जीने के है 4 दिन। तो हाँ गाइस 4 दिन अभी भी हमारे पास बचा हुआ है और 4 दिन अभी स्किप करने के लिए बहुत है गाइस। और ऐसे भी गाइस हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा आइटम ढूंढ ही लिया है और अभी बस कुछ आइटम और अभी चाहिए होगा, जैसे कि गाइस ट्रेन की हो गया, ट्रेन एक्सेलरेटर हो गया। एक सेकंड, और कुछ भी लगता है क्या गाइस? अगर और कुछ भी लगता है तो गाइस जल्दी से कमेंट करके बताओ गाइस। तो गाइस जैसा कि अभी दिख रहा है यहाँ पे गेट बंद है गाइस, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो? नहीं, आप लोग नहीं समझे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। इसका मतलब ये है कि गाइस यहाँ पे ग्रैनी ग्रैंड अभी तक आए ही नहीं। तो अभी गाइस जल्दी से ये प्लैंक को लेकर यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि पता नहीं ग्रैनी ग्रैंडपा कब यहाँ पे टपक जाए। क्योंकि अभी ना गाइस हमें ग्रैनी ग्रैंडपा कोई भी लोकेशन नहीं पता है, वो अभी कहीं से भी कहीं पर भी आ सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे शोर कर दूंगा ताकि ग्रैनी यहाँ पर आ जाए। मुझे पता है ग्रैंडपा भी अंदर में ही होंगे और वो गाइस बाहर अभी नहीं आने वाले क्योंकि गाइस जो ग्रैंडपा है ना वो थोड़े बहरे हैं। तो अभी गाइस यहाँ पे जितनी भी स्टोन पड़ी है मैं सबको उठा लेता हूँ ताकि मैं स्टोन फेंक के ग्रैनी ग्रैंडपा को मारूं। ओ भाई साहब, ये सेलेंडीना तो सच में बहुत खतरनाक है यार, ये तो ग्रैंडपा से भी खतरनाक निकली। पता है कि जबी ना मेरा पूरा स्क्रीन स्टक कर गया था तो लिटरली यार मैं सेलेंडीना को बहुत हल्के में लिया करता था। तो गाइस अभी जाके पता चला मेरे को कि सेलेंडीना कितनी पावरफुल है। तो अभी ना गाइस मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 डेज बचा है, अब मेरे को 1 डे भी वेस्ट नहीं करना है। तो अभी ना मैं गाइस थोड़ा सा सीरियसली खेलूंगा। आई नो कि मेरे से सीरियसली हो नहीं पाएगा, फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है रे पापा। चोर, तुम्हारे हस्बैंड सिलेंडर मैन होंगे चोर, बड़ा ही मेरे को चोर बोलने वाला। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पे काफी शोर कर दिया है ताकि ग्रैनी नीचे आ जाए और हम लोग आराम से ऊपर जा सके रे पापा। तो गाइस मैं अभी जल्दी से यहाँ पे छिप जाता हूँ। चोर कहीं का, मेरा ट्रेन चुराने आया था ना, रुक अभी तेरे को बताती हूँ। ग्रैंडपा जल्दी से आप नीचे आओ। अरे बाप रे बाप, कहीं ग्रैंडपा नीचे नहीं आ जाए गाइस? मेरे को तो लगता ग्रैंडपा भी नीचे ही आते होंगे। यार मेरे को तो डर लग रहा है कहीं ग्रैंडपा मेरे को सरप्राइज ना दे दे, वरना फिर से ये लोग मेरे को वापस से जेल में बंद कर देंगे। तो अभी जल्दी से मैं गेट लगा देता हूँ। तो गाइस अभी मैं जल्दी से प्लैंक ले आता हूँ। एक सेकंड, कोई है तो नहीं? और ये लोग, ये रहा हमारा प्लैंक। अभी गाइस प्लैंक लेके मैं सीधा ऊपर जाऊंगा। चोर, गाइस ये लड़की सच में पागल है, अभी तो ये मेरे को वापस से मरवा देती। बेटा वापस आ गया, रुक तेरे को मैं अभी सुला देता हूं। गाइस जल्दी से निकल लो वरना ग्रैंडपा में मार देंगे। गाइस ग्रैंडपा तो हमारे पीछे ही पड़ गए, मेरे को पता, तो दरवाजा के पीछे छिपा है। अरे अरे पागल इंसान, शॉटगन क्या पेट पे घुसेड़ दोगे? डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ ग्रैंडपा। हाँ ठीक है, मेरे को मालूम है। और गाइस ग्रैंडपा अभी वापस जा रहे हैं। क्या ग्रैंडपा मेरे को सच में छोड़ दिए? क्या अभी मेरे को ग्रैंडपा सच में नहीं मारेंगे? मैं तो चला देसी दारू पीने। तो गाइस अभी यही सही वक्त है प्लैंक ऊपर ले जाने का। एक सेकंड, ग्रैंडपा भी कहाँ पे, वो पहले चेक कर लेता हूँ। देसी दारू का 2 पैक लगाओ, चांसेस हो जाओ। चोर। तो गाइस ग्रैंडपा भी सोने जा रहे हैं और ये रहा गाइस हमारा नशेड़ी इंसान। तो अभी क्या गाइस, जल्दी से मैं शॉटगन को ले लेता हूँ और अभी जल्दी से ऊपर चलता हूँ। तो गाइस उस कौवे की अभी खैर नहीं। तो अभी गाइस जल्दी से हम लोग टेरेस के ऊपर चलते हैं। गाइस आई डोंट नो कि ग्रैनी ग्रैंडपा ने ऐसा सीढ़ी क्यों बनवाया, पर गाइस जैसा भी बनवाया काफी अच्छा घर है। और गाइस इतना सुंदर घर पे ये काला कौवा बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। और फाइनली गाइस इसमें हमें ट्रेन की भी मिल चुकी है। तो सबसे पहले मैं शॉटगन को यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ और ये रहा हमारा गाइस ट्रेन की, जिसको गाइस मैं यहाँ से नीचे फेंकने वाला हूँ, बस यार ये नीचे सही से चला जाए। तो अभी गाइस जल्दी से मैं शॉटगन को वापस से ले लेता हूँ और अभी गाइस ग्रैनी ग्रैंडपा अग्रेसिव मोड में होंगे बिकॉज हम लोगों ने उनका कौवा को मारा और ऑफकोर्स भाई कोई भी गुस्सा होगा क्योंकि हम लोगों ने उनका प्यारा सा पेट को मार दिया। तो गाइस हम लोग के लिए वो कौवा कितना भी बदमाश हो, पर ग्रैनी ग्रैंडपा के लिए वो कौवा काफी प्यारा था। तो अभी गाइस मैं ग्रैनी ग्रैंडपा दोनों को ऊपर बुला लेता हूँ ताकि मेरे को शॉटगन रिलोड करने में थोड़ा सा टाइम मिल जाए। तूने मेरे कौवा को मार डाला, रुक तेरे को अभी बताती हूँ। देसी बड़ा तेरी आसी की तासी, आज तेरे को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो गाइस अभी दोनों के दोनों ऊपर आ चुके हैं। तो अभी क्या गाइस जल्दी से मैं जाकर शॉटगन को रिलोड कर लेता हूँ। अब आ जाओ ग्रैनी ग्रैंडपा। अबे वहीं रुकना देसी बेटुआ, मैं आ रही हूँ। हाँ अभी आ जाओ ग्रैनी, मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं आपसे। बेटा अभी आएंगे तो एक लपड़ देंगे, सारा होश ठिकाना जाएगा। और मैं एक डंडा दूंगी। क्या मेरे को डंडा मारोगी? अरे मैंने मारा देसी बेटुआ, भैंस की पूछ सच में मार डाला, मैं इधर से जाने नहीं देगा तेरे को। कोई भी बात नहीं ग्रैंडपा, मैं इधर से चला जाऊंगा। गाइस ये बुढ़ा बुढ़िया मेरे को मरने के बाद भी परेशान करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग को सारा आइटम मिल चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को ट्रेन एक्सेलरेटर चाहिए होगा। तो अभी के जल्दी से मैं वो प्लैंक को ले आता हूँ जो कि यार मैंने ग्रैंडपा का रूम में ड्रॉप किया था। यार अभी मेरे को काफी डर लग रहा है यार, क्योंकि ग्रैनी ग्रैंडपा सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में वापस से आ जाएंगे और इतना समय तो गाइस हम लोग को इधर से उधर करने
सामने में ही निकल जाता है। तो अभी क्या गाइस, जल्दी से मैं यहाँ पे प्लैंक को प्लेस कर देता हूँ। और गाइस मेरे को पता नहीं किसके अंदर मुझे क्या मिल सकता है। अगर यार यहाँ पे कुछ और मिला तो मेरा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। और गाइस मुझे ट्रेन एक्सीलरेटर मिल चुका है। और फाइनली गाइस हमें ट्रेन स्किप के लिए सारा आइटम मिल चुका है। और अभी गाइस सिर्फ और सिर्फ इसे असेंबल करना बाकी रह गया है। और फिर क्या गाइस, फिर अपन लोग ट्रेन चुरा के भाग जाएगा, बस गाइस अभी बुढ़ा बुढ़िया ना आ जाए। तो गाइस मैं अभी जल्दी से ट्रेन एक्सीलरेटर को यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। और गाइस अभी ट्रेन की को भी ले आता हूँ, क्योंकि पता नहीं ग्रैंडपा को कब चुरा ले। गाइस मेरे को अभी काफी डर लग रहा है। अभी मेरे को गाइस ग्रैनी ग्रैंडपा अगर मिल गए ना तो मेरा सारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो गाइस जल्दी से ट्रेन की को लेकर हम लोग नीचे की ओर चलते हैं, बिकॉज अभी मेरे को ग्रैनी ग्रैंडपा से पंगा नहीं लेना है रे बाबा। हाँ, इस गेट को भी लगा लेता हूँ ताकि गाइस ग्रैनी ग्रैंडपा को पता ना चले कि हम लोग नीचे है। तो गाइस मैं अभी मजाक कर रहा हूँ, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है। गेट लगाओ या चाहे ना लगाओ, अगर उनको आना हो तो गाइस वो आखिर आ ही जाएंगे। तो अभी गाइस मैं सोच रहा हूँ कि ये ट्रेन को मैं बेच के ऐसा ही बंगला खरीद लूं। गाइस अभी मेरे को ये चैप्टर 3 वाला बंगला काफी अच्छा लगा। तो अभी मैं गाइस ट्रेन की को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। और हाँ गाइस, अभी आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि आप लोग ग्रैनी का कौन सा बंगला ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे को तो चैप्टर 3 वाला बंगला कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है, बिकॉज चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में उतना कुछ खास देखने को हमें नहीं मिलता। तो अभी मेरे को गाइस सिर्फ ट्रेन एक्सीलरेटर की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉप किया था। तो अभी क्या गाइस, अभी जल्दी से इसको नीचे लेके चलते रे पापा। आई एम सो एक्साइटेड गाइस, बिकॉज आज तक मैंने हार्ड मोड पे स्किप किया ही नहीं। तो अभी गाइस जल्दी से इसको हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं। सॉरी गाइस, ये यहाँ पे लगेगा। और फाइनली गाइस हमारा ट्रेन रेडी हो चुकी है, सिर्फ गेट लगाना रह गया था जो कि मैंने ऑलरेडी लगा दिया। और अभी क्या गाइस, अभी ट्रेन को चालू करते हैं। और अभी मेरे को पता है गाइस ट्रेन पीछे की ओर जाएगी। और फाइनली गाइस हम लोगों ने ग्रैनी 3 हार्ड मोड पे पूरा कर लिया है। तो गाइस अभी आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस नेक्स्ट टाइम में इसको D1 में ही पार करने की कोशिश करेंगे। हे बाय बाय ग्रैनी, बाय बाय ग्रैंडपा, बाय सेलेंड्रीना। जैसे बेटा आप लोग ट्रेन में पेट्रोल भरवाते हैं ना? यार कहेंगे ट्रेन में पेट्रोल कौन भरवाता है। अरे यार बुड्ढा बुड़िया को छोड़ो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। टाटा बाय, सी यू, सायोनारा।